हेलो वेलकम टू न्यू वीडियो। वी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट स्ट्राइकर। सारी पोजीशन अपन ने कवर कर ली है और अब स्ट्राइकर की बारी है। वी हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, स्टार्टिंग विद आवर वेरी ओन रोनाल्डो R9। आइकन से शुरू करेंगे और सबसे बेहतरीन आइकन भलाई उनका 96 हो, 94 हो, सिवाय 90 के उनका हर एक कार्ड एक बकेट लिस्ट होता है। अभी भी 10-10.5 मिलियन के हैं तो भैया सबके हाथ में आएंगे नहीं, और जिनको फ्री में मिल गया है, फ्री में तो नहीं, स्वॉप्स मतलब आपके पीपी में मिल गया है आइकन्स के, तो भैया बधाई हो, एंजॉय करिए, बिकॉज दिस गाय इज सिंपली द बेस्ट, अनस्टॉपेबल। इनके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। उनके बाद बात करते हैं एक और आइकन की जो लगभग 3.5 मिलियन में है, एंड डेफिनेटली अगर इनकी अगर 5-स्टार स्किल्स होती तो और भी महंगे होते, R9 से थोड़े ही कम होते। इनका नाम है उसेबियो, जो इस गेम में अद्भुत फिनिशर हैं। इनके पास स्टैमिना है, एग्रेशन है, और जिस तरीके से ये थ्रू आउट द गेम इवन एक्स्ट्रा टाइम में भी भागते हैं और हर वक्त हर जगह गोल करके दिखाते हैं, अद्भुत। उसे भी वो महान प्लेयर्स में से एक थे और फीफा में भी महान हैं। अब बात करते हैं सैमुएल एटो की। एटो जो स्वॉप्स में भी आए थे, चीपर ऑप्शन है, एंड ऑल्दो इज अ 4-स्टार बट डेफिनेटली इन गेम ही इज गुड फॉर मेनी पीपल, एंड काफ़ी लोग इनको फ्रॉड बोलते हैं। तो सैमुएल एटो की मैं बोलूं तो दोनों तरफ वाहवाही है, एक तरफ कड़ी निंदा है और दूसरी तरफ पीपल प्रेज हिम फॉर द एक्सट्रीम पेस ही हैज इन द गेम, एंड डेफिनेटली ही विद द ओवरऑल शूटिंग प्रोवेस ही इज इनक्रेडिबल। बट डेफिनेटली थोड़े से स्टिफ लगते हैं गेम में, पर पेस अद्भुत, गेट इन बिहाइंड के लिए बहुत बढ़िया। अब एक जने के बारे में बात करेंगे जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, एक ऐसे प्लेयर जो 3-स्टार स्किल मूव जरूर हैं पर 5-स्टार वीक फुट है, और एमिलियो बूत्रोगेना द वल्च, ही इज सिंपली अनबिलीवेबल ऑन द बॉल। इनकी ड्रिबलिंग एक नंबर है भाई, और इतने क्विक हैं, इतने रैपिड हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप इन पर हॉक केमिस्ट्री स्टाइल लगाते हैं स्टैंडिंग पोजिशन में, इनसे ज़्यादा कोई तेज बुलेट शॉट नहीं मारता। पॉकेट डायनामाइट हैं, एंड ऑल्सो विद द 5-स्टार वीक फुट you get that finesse shot as well, so from left side, right side, just finesse galore और बस मारते रहिए। goal scoring machine है, definitely 2-striker formation में ज़्यादा suited है, because 5 feet 6 inch के हैं, पर Emilio Butragueño under 1 million is a bargain still. These are the heavy drivers now. क्रॉइफ अनदर स्पेशलिटी, 5-स्टार 5-स्टार, इनका प्राइम कार्ड अपन ने कितनी बार स्ट्रीम पे मैचेस पे खेला है, उससे पहले मिड भी लिया था, तो योन क्रॉइफ वन ऑफ द बेस्ट है, और जो बैलेंस बूस्ट मिला है इनको लगभग 12 या 13 का, उससे ये प्लेयर अब अलग लेवल पे जा चुका है। एंड योन क्रॉइफ विद द ट्रेट ऑफ प्ले मेकर आउटसाइड द फुल, चिप शॉट, टेक्निकल ट्रिबलर, एंड इज गॉट दैट इवेसिवनेस, दैट ग्लिचीनेस विच अलाउज हिम टू जस्ट गो थ्रू the defense, even though someone is parking the bus, there are 3 defenders who are just waiting for him. वो बिल्कुल evasive होके इधर से उधर silky तरीके से animation जो होती है इनकी skill move की, बहुत प्यारी होती है। And जब से इनका ये जो balance बढ़ाया है तो भाई left stick dribbling भी एक number हो गई है, जो इनके नीचे वाले version में थोड़ा issue रहता था। अब बात करेंगे probably एक ऐसा player जो आजकल सबके favorite हो चुके हैं, काफी लोग उन्होंने R9 की worth उनको लगती नहीं तो वो बोलते हैं पहले के साथ क्रॉइफ ले लेंगे, R9 एक मिलेगा, ये 2 मिलेंगे। तो देख लीजिए पहले उस लेवल पे है कि भाई इस गेम में इनकी जो एनिमेशन है वो फास्टेस्ट में से एक है, क्लिनिकल तो एक नंबर है ही, एंड डेफिनेटली पहले जिनसे मैंने काफ़ी खेला भी है, क्योंकि मेरे भांजे ने पैक किया हुआ है 99 पहले, एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी कर रखा है, जब भी पहले सामने आते हैं भलाई वो 98 हो, 95 हो, इनफैक्ट अर्ली ऑन 91 जो आते थे सभी जबरदस्त थे। तो ये वाला कार्ड पहले का जो हाईएस्ट रेटेड है अटैकर्स में, डेफिनेटली द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। अब बात करते हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जो आजकल सबके फेवरेट बन चुके हैं, रियल मैड्रिड प्लेयर ऑफ द मंथ, सॉरी फ्लेवर ऑफ द मंथ तो है ही, और उनके ही आइकॉनिक बैकब्रश सुपरस्टार पुस्कास। स्टॉकी बॉडी टाइप जरूर है पर जो इनको इंप्रूवमेंट दिया है वो यहां दिया है, स्किल मूव्स बढ़ा दी हैं, 4-स्टार थी नॉर्मल हर एक कार्ड पे, अब इनकी 5-स्टार है, और वीक फुट जो 3-स्टार का इशू था अब वो 4-स्टार है। तो जब 5-स्टार 4-स्टार कॉम्बिनेशन आ जाता है और वो भी स्किल मूव 5-स्टार हो जाती है तो एंगल्स खुल जाते हैं, और वैसे भी इनकी फिनिशिंग गेम में सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। अगर आप लेफ्टी स्ट्राइकर खिला सकते हैं, मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं जो अपन फीफा खेलते हैं दे प्रेफर इधर राइट ही, राइट फुटेड और लेफ्ट
लेफ्ट फुटेड, दोनों वर्सिटिलिटी वाले प्लेयर्स बहुत कम होते हैं फीफा में, जिनकी कॉम्बिनेशन में प्राइस बड़ी बढ़ जाती है। जो आप आगे जाके देखेंगे जो फाइव स्टार होंगे उनकी वैल्यू अलग ही होगी, पर पुस्कास बिकॉज ऑफ दीज अपग्रेड्स एंड ऑलरेडी ही वॉज जस्ट टू गुड इन फ्रंट ऑफ गोल, आई माइट जस्ट से दैट ही इज द मोस्ट क्लिनिकल व्हेन इट कम्स टू एनी स्ट्राइकर इन दिस फीफा। हिज नेम इज पुस्कास द बैक ब्रश स्कोरिंग मशीन फ्रॉम हंगरी। बहुत बढ़िया पुस्कास। अब बात करेंगे इससे पहले ये सस्ते नशे की बात करें, सस्ते नशे मतलब ये टॉप फाइव लीग में नहीं है, हालांकि नूनेस तो अब लिवरपूल के लिए आने वाले हैं एंड हाई हाई है इनकी वर्क रेट, फाइव स्टार स्किल मूव, फोर स्टार वीक फुट, यही देखते हैं आप, कुछ ना कुछ तो फाइव स्टार हो एक अटैकर में ताकि एरियाज और एंगल्स खोलें, आराम से शूट करें, ये अच्छा ऑप्शन है नूनेस और आई होप लिवरपूल के लिए बढ़िया करें। एक और जो प्लेयर काफ़ी टाइम तक 500 के तक थे जो दूसरी लीग के थे एंड इनका नाम है उंदाव, ऑल्दो स्टॉकी बॉडी टाइप है पर जो स्टैट्स हैं वो बहुत जबरदस्त, लोग उस पे इंजन लगा के माहौल बना रहे हैं एंड डेफिनेटली नाउ इज गोइंग अंडर 250 के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 210 220 के बारे में आ रहे हैं, तो उंदाव इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मेनी पीपल हैव चोजन हिम अबव लेवेंडोस्की एंड आई मस्ट से लेवेंडोस्की थोड़े स्टॉकी जरूर है पर इनकी फिनिशिंग सबसे बेहतरीन। लेवेंडोस्की जिनका कार्ड 98 रेटेड है एंड डेफिनेटली डिजर्व करते हैं क्योंकि ये गोल स्कोरिंग मशीन है, लेवेंडोस्की बोलते हैं इन्हें, लेवन गोलोस्की जैसे मुलर ने बोला था, भलाई वो काफी मेम्स बन गए थे लेकिन भैया असलियत में तो यही है कि जब ये मारते हैं तो गोल के अंदर ही जाती है। इनका दूसरा कार्ड जो टीम ऑफ द सीजन है वो फाइव स्टार वीक फुट वाला है एंड दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, जो ये रोनाल्डो हो गए लेवनडॉस्की हो गए इनके वीक फुट की तरह होते नहीं, बिल्कुल आर या पार जाते हैं, बट स्टिल आई वुड से गो फॉर द फाइव स्टार वीक फुट वन, एटलीस्ट वो माइंड में ऐसा नहीं हुआ कि इसकी वजह से मिस कर दिया नहीं। अब बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो शायद मेरे नहीं अधिकतर हर एक के फेवरेट है, उनका नाम है गुरु CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7 सुई या फिर सी जैसे भी बोले आपका मन हो, पर रोनाल्डो इस गेम में सर्वश्रेष्ठ अटैकर है, हालांकि एजाइल इतने लगते नहीं, कभी कभी क्लंकी भी लगते हैं पर क्लंकी जाए तेल लेने, ये गेम में क्लच अप करने के सुपरस्टार हैं और मैंने इनका बर्थडे कार्ड इतना खिलाया है, अनट्रेडेबल मैंने पैक किया था, आई वाज वेरी लकी टू गेट द फाइव स्टार वन एंड डेफिनेटली ही विद द पेस बूस्ट एंड ओवरऑल स्टैट्स इट इज सिंपली अमेजिंग टू गेट अ कार्ड ऑफ CR7 कैलिबर इन योर टीम, ऑल्दो ही इज अ बकेट लिस्ट गाय बिकॉज अगर आप देखेंगे प्राइस इनकी लगभग 3.5 मिलियन के ऊपर है जो इनका टॉट्स है और जो टॉटी है वो लगभग 3 मिलियन का, तो अगर आप CR7 फैन बॉय हैं तो कम से कम रोनाल्डो का एक कार्ड तो आप रखना चाहेंगे एंड डेफिनेटली उनका हाईएस्ट रेट कार्ड 97 इज द बेस्ट आई थिंक, ऑल्सो द फुट बर्थडे वन ऑल्सो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को बैलेंस की वजह से, आई एम करंटली प्लेइंग विद द 94 वन, सून आई माइट गेट होल्ड ऑफ द टॉटी वन और द टॉट्स वन, लेट्स सी इफ ऑल गोज वेल, पर देखेंगे। लेकिन रोनाल्डो जब भी आते हैं ऐसे गोल्स मार देते हैं जो ईए के हिसाब से जो अपन गेम खेलते हैं बुलशिट गोल्स होते हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ क्लच गाय एंड गोज एवरीवेयर एंड स्कोर गोल्स, सो दैट इज व्हाट CR7 इज, ही इज अ मशीन इवन इन गेम। किलियन एम्बापे, ग्लिच एम्बापे, एम्बाबा वगैरह जो भी बोले ये रुकते नहीं, इनकी पेस 93 रेटेड इनफॉर्म से ही फुल पेस थी और अब ये 97 वाले के पास ड्रिबलिंग भी पूरी है और बाकी सब कुछ सर्वश्रेष्ठ। एक ऐसे प्लेयर जो फीफा में का गोल्ड कार्ड अभी भी लोग खिलाएंगे तो वो काम करके दिखाएंगे, इतने महान कार्ड बना चुके हैं, ऑल्दो रियल मैड्रिड गए नहीं, काफी लोग गुस्सा जरूर हैं एम्बापे से, पर फीफा में इनकी चलती है, सबसे ज्यादा चलती है, फेस कवर है और फाइव स्टार फोर स्टार का तड़का, उसके बाद एनिमेशन ऐसी कि भैया सिल्क स्मूथ लगते हैं, दूसरे लोग 10 चांस बनाते हैं तो लगभग 3 गेम में बनाते हैं, एम्बापे एक ही मैच में 10 चांस बनाते हैं उसमें से 7-8 मारते हैं, तो भाई सबसे ज्यादा चांस क्रिएट करने वाला कोई ऐसा प्लेयर जो गेट इन बिहाइंड करता है तो भैया किलियन एम्बापे रुकेंगे नहीं, इसलिए ही बोलता हूं क्योंकि बहुत सर्वश्रेष्ठ एम्बापे। अब बात करेंगे लुइस सुआरेज जिनका फाइनली एक ऐसा कार्ड आया है जो सालों से उनका सबसे ड्यू कार्ड था बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ कमी होती थी, एक्सलेशन ज्यादा दे देते थे तो स्प्रिंट स्पीड कम दे देते थे, पर इस बार एक्सलेशन तो अच्छी दी है 98 पर स्प्रिंट स्पीड भी 90 है और अगर आप देखेंगे एजिलिटी बैलेंस भी बढ़ा दी है, तो भैया इंजन लगाएंगे या बेसिक
पे खिलाइए, जो आपकी मर्जी हो। शायद इनकी फिनिशिंग CR7 की लेवल की है, क्योंकि मैंने इनको पैक भी किया है रेड में मेरे सेकंड अकाउंट में, और जो एनिमेशन, जो खेलने में मजा आता है इस कार्ड से, वो फाइनली ऐसा लग रहा है लुइस सुआरेस खिला रहा हूं मैं। 5-star वीक फुट का तड़का भी है, 4-star स्किल मूव भी है, तो लुइस सुआरेस इज फिनोमिनल इन दिस गेम एंड डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी व्हेन इट कॉल्स। 700-750 के करीब है, बहुत बढ़िया कार्ड। अगर आप सीरिया में कोई ऐसा कार्ड ढूंढ रहे हैं जो लेवेंडोस्की की तरह काम कर जाए, क्लिनिकल फिनिशर विद 5-star वीक फुट एंड इज ऑल्सो रैपिड इन गेम, सो इंजन लगाइए और एजिलिटी को भी 10 से बढ़ाइए, बैलेंस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और उसके बाद इमोबाइल का मिस कॉल भी गोल में चले जाता है। बहुत बढ़िया कार्ड, मैंने इनको भी रेड में खिलाया है एंड डेफिनेटली एज अ सुपर सब आई एम यूजिंग हिम एंड ही इज मेकिंग द इंपैक्ट बिकॉज ही इज दैट गुड कमिंग ऑफ द बेंच। ही ऑल्सो सीम्स रैपिड, स्ट्रेट लाइन में भागेंगे तो काफी तेज भागते हैं एंड 5-star वीक फुट के साथ ऐसी फिनिशिंग के साथ इमोबाइल इस बार सीरियस कंटेंडर हैं सीरिया के टॉप सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर से। सेंट मैक्सिमा जिनको अपग्रेड मिला न्यूकैसल के गुची बॉय, ये रुकते नहीं क्योंकि इनकी एनिमेशन स्किल मूव्स की बहुत शानदार है। गुची बॉय की एजिलिटी, बैलेंस आप देख रहे हैं, पेस मैक्स आउट है और शॉर्ट पावर, तो ये सारी चीजें आजकल मायने रखती है। आप अभी जिस टाइम टीम ऑफ द सीजन खत्म होने जा रहा है, शेप शिफ्टर आने वाले हैं, बाय द वे लियोनेल मेस्सी का 5-star स्किल मूव्स आने की चर्चा है, इसलिए लियोनेल मेस्सी की प्राइस भी लगभग 500 के घिर गई होगी, तो वो और भी घिर सकती है क्योंकि 5-star स्किल मूव स्ट्राइकर्स मेसी बहुत जबरदस्त होगा। पर अभी बात करेंगे सेंट मैक्सिमा की। सेंट मैक्सिमा जो एजिलिटी 99 और शॉर्ट पावर 99 लेके घूम रहे हैं और गेम में काफी लोगों के प्रो प्लेयर्स के ये फेवरेट हैं बिकॉज ही इज अ नलिफायर व्हेन कम्स टू बैड गेम प्ले, ही इज फन टू प्ले विद द, बहुत बहुत तितली की तरह हर जगह भागते हैं, माहौल बनाते हैं और काम करके दिखाते हैं। सिंपली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस व्हेन इट कम टू प्रीमियर लीग। इफ यू हैव गॉट रोनाल्डो एंड यू गॉट कॉइंस तो भैया पेयर अप करें सेंट मैक्सिमा के साथ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। अब बात करेंगे द रैट किंग हिमसेल्फ, जिनका मुंह तो बन गया है कि भैया 5-star स्किल मूव क्यों नहीं दी, क्योंकि 5-star वीक फुट तो मेरे पास ऑलरेडी था। अगर इनको 5-star स्किल मूव दे देती होती तो भैया ये कार्ड लगभग ट्वाइस द वैल्यू हो जाता। बेन येडर जो आप जानते हैं रैट किंग हैं और ये रुकते नहीं बिकॉज पेस वगैरह, एजिलिटी, बैलेंस, शूटिंग, सब कुछ एक नंबर, और उसके बाद भाई अभी भी स्टैमिना 80s में ही है, पता नहीं क्या देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इतना कम भागते हैं, पर डेफिनेटली 88 स्टैमिना काफी है इनके लिए क्योंकि जो वर्क रेट है वो हाई लो है। एंड डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट स्टिक ड्रिबलिंग एंड शूटिंग, बेन येडर इज सिंपली फिनोमिनल विद लीडरशिप प्लेयर आउटसाइड द फोर, टीम प्लेयर, चिप शॉट, टेक्निकल ड्रिबलर, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद बेन येडर। व्हाट अ प्लेयर, लास्ट 3 years से फीफा के द रैट किंग, देयर इज अ रीजन व्हाई इज कॉल्ड द रैट किंग बिकॉज ही इज द किंग ऑफ स्कोरिंग गोल्स व्हेन इट काउंट्स, तो रैट किंग बेन येडर रुकेंगे नहीं। अविला जो काफी कम जनों के पास है बिकॉज फुट बर्थडे में 5-star रेटेड चीप R9 नोजियो बोलते हैं ने, एंड डेफिनेटली वो अभी भी सुपर सब में यूज करते हैं और मैंने उनका गेम प्ले जरूर देखा है, औरों का भी देखा है, काफी कम जनों के पास है, पर जिनके पास है वो अभी भी माहौल बना रहे हैं और लालीगा का ये स्ट्राइकर अभी भी काफी सर्वश्रेष्ठ, सो डेफिनेटली वी हैव हिम। देन 5'8" में सुपर सब लाएं या फिर गेम में खिलाएं, अविला still going strong and especially for a free card, या फिर grind करके जो भी आपने foot birthday swaps किए हैं तो definitely बढ़िया बढ़िया option choose किया आपने। Dembele जो लगभग हर एक team of the season से महंगे हैं, एक कारण है इनका कि ये सबसे महंगे हैं, कारण ये है 5-star तो है ही, और Dembele FIFA जैसे Rat King famous हैं वैसे ही Dembele FIFA favorite हैं। अभी Chelsea की बात चल रही है कि भैया वहां जाके hospital का खर्चा Chelsea उठाएगी क्योंकि Barcelona से जाना चाहते हैं, कुंडे भी आना चाहते हैं, पर वो देखते हैं कब आते हैं, खेलते हैं या नहीं खेलते। फिलहाल डेम्बेले का ये कार्ड काफी बेहतरीन, इस पे आप लगाएंगे फिनिशर और इनका बैलेंस बिल्कुल मैक्स आउट लगभग हो जाएगा, शूटिंग मैक्स आउट हो जाएगी और उसके बाद ये रुकेंगे नहीं क्योंकि ये ट्रेट भलाई इंजरी प्रोन तो बिल्कुल होना चाहिए, इनफैक्ट कंपलसरी इंजरी आफ्टर 5 matches होना चाहिए, पर स्पीड ड्रिबलर प्लेयर के साथ साथ गेम में क्योंकि ये बिल्कुल फ्लूइड निकलते हैं और पेस मैक्स आउट दे दी और हमेशा से ही फीफा लास्ट 3-4 years से डेम्बेले भलाई कैसा भी खेले 83 रेटेड से नीचे हुए नहीं है और हर एक टीम की स्टार्टर स्क्वाड से लेके जब इनको इनका इन्फॉर्म आता है सबके फेवरेट होते हैं और सेंट्रली डेम्बेले स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्वियसली थोड़ी प्राइस ज्यादा है, इतना रिकमेंड करूंगा नहीं मैं,
पर फिर भी डेम्बेले काफी लोगों के फेवरेट। एक अभी कैसे प्लेयर जो लगभग एक्सटिंक्ट थे काफी टाइम तक, इनका कार्ड इतना जबरदस्त आया है पर अब शायद थोड़े प्राइस नीचे हो गई, अब लगभग 800-700 के करीब मिलने चाहिए ये, और भी नीचे जा सकते हैं क्योंकि जो लीग है वो लिबर्टो है रिवर प्लेट के लिए खेलते हैं। एंड विद दीज स्टैट्स यार दी आर सिंपली अमेजिंग। अगर आप एल्वरेस को हटाएंगे और ये स्टैट्स दिखाएंगे आपको तो कभी ऐसा भी लग सकता है कि एम्बापे के स्टैट्स दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि एम्बापे की तरह ही, हालांकि ट्रेट नहीं है पर एम्बापे की तरह ही स्टैट्स हैं। हाई मीडियम उनका हाई लो है पर 5 स्टार 4 स्टार है, और एल्वरेस इन गेम भी मेटा हाइट वाले हैं और स्टैट्स इतने जबरदस्त। पर क्या ये गेम में उतना बढ़िया काम करते हैं? नहीं, काफी लोग बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया खेलते हैं, बिल्कुल वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं, और काफी बोलते हैं कि यार कुछ मिसिंग है, तो एल्वरेस का काफी 50-50 है। बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू स्टैट्स यू कांट गेट बेटर देन दिस किड, हिज नेम इज एल्वरेस एंड ही इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। डिबाला फाइनली गेटिंग अ कार्ड विच वी प्रिडिक्टेड कि भैया मेसी को मिलना चाहिए, बाय विच ऐसे कि भैया स्किल मूव 5 स्टार है, वीक फुट 4 स्टार है, मोस्टली डिबाला 4 स्टार 3 स्टार होते हैं, वीक फुट 3 होता है और स्किल मूव 4 होता है, पर इनकी जो बॉडी टाइप है गेम के लिए फीफा के लिए ही बनी है। एंड जो इनके फिनिश शॉट हैं मेसी को याद दिलाते हैं, जैसे इनके पास फिनिश शॉट ट्रेट है, लॉन्ग शॉट टेकर है, प्ले मेकर है, आउटसाइड द फुट है और टेक्निकल डिब्लर फ्लेयर। बट डिबाला फाइनली गेटिंग अ कार्ड which is like it's a dream to play with this card. For example, if you are a Dybala fan, you always wanted a card which is super super fun to play with. Earlier bhi jo unke FIFA mein jo cards aaye the, halaki thode restrictive the par tab bhi zabardast the, par ab 5 star 4 star now has gone to a different level altogether. And when it comes to Syria, he is a sole winner. Agar aap Leo ko left winger se lenge to bhaiya Dybala ko central attacker ya striker ya top 3 mein kahin pe bhi khila sakte hain, bhalai koi si bhi फॉर्मेशन में खेल रहे हैं, डिबाला आपको मेसी की याद ला देंगे। और अब तो भैया डिबाला का खुद का भी बड़ा नाम है, हालांकि उनके जो पोटेंशियल था वो अभी जस्टिफाई हुआ नहीं है टैलेंट में, पर ग्लिम्सेस हमेशा दिखे हैं एंड आई होप आगे जाके और भी बढ़िया लगे। इनकी बात चल रही है इंटर मिलान जाने की, तो शायद वहां पर भी जा सकते हैं, लुकाकू भी वहां आ सकते हैं, वो तो वक्त बताएगा क्या क्या होगा। फिलहाल डिबाला अगर आपके पास है रेड्स में तो भैया माहौल बना रहे होंगे आपको, क्योंकि ये बहुत खास है डिबाला, एक नंबर अटैकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Kareem the Dream, who might just win the Ballon d'Or this year and who should win the Ballon d'Or this year. Kareem Benzema, what a player, what a journey. This guy was always the second fiddle to CR7 and many others, but oh boy, was he waiting for his chance, and he delivered. He lived delivered big time by winning the Champions League in a fairy tale journey this time around Hala Madrid, and finally got a card of 98 rated, well deserved by Kareem the Dream. Leadership finish or playmaker outside the फुट, टीम प्लेयर। और भैया ये जो स्टैट्स है ना, ये नॉर्मल आदमियों को मिलते नहीं है, ये सुपरस्टार्स को मिलते हैं, और बेंजमा वही सुपरस्टार हैं। ये कार्ड एक नंबर कार्ड है, अगर आप कैम खिलाइए या फिर अटैकर में स्ट्राइकर में खिलाइए, ये आपको बिल्कुल दिखाता है कि क्यों करीम की सबसे सबसे क्लिनिकल फिनिशिंग है गेम में, और डेफिनेटली डिजर्विंग भी है। एंड आई होप ये बैलन डॉर जीते इस साल, क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि भैया वक्त सबका आता है और अगर मेहनत लगी तो भैया एंड में रिजल्ट भी सबका आता है। करीम द ड्रीम फाइनली अ चैंपियन ऑफ चैंपियन प्लेयर, ऑब्वियसली 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर भी हैं, ला लीगा विनर भी हैं, और भाई इस बार बैलन डॉर विनर भी होने चाहिए। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ चैंपियन। सो गाइस, दीज वर द अटैकर्स इन माय अंडरस्टैंडिंग। देयर आर अदर ऑप्शंस वेल, जो बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो मैंने मिस कर दिए होंगे, पर यार इतने सारे ऑप्शन हैं सब कवर नहीं कर सकते। अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं तो भैया सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ। देखिए मैं 10 मिलियन का कार्ड इधर डाल दूंगा रोनाल्डो का, तो वो तो भैया बेस्ट है ही। उसके बाद पेले का डाल दूंगा, वो भी काफी सर्वश्रेष्ठ। अगर इनमें सब में से कोई देखूंगा मैं जो टॉप 3 में आते हैं, तो भैया गुरु CR7 आते हैं। तो ये टॉप 3 अगर आप नॉर्मल ऐसे करें, अगर आप इन जनरल ये विदाउट कॉइन बेस करें तो ये 3 है। बाकी अगर इन जनरल ऐसे देखें, वैल्यू फॉर मनी भी हो और रियलिस्टिक भी हो, तो मेरे हिसाब से क्रॉइफ का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस पे ये आ रहे हैं वो पहले का भी काम कर रहे हैं और R9 का भी काम कर रहे हैं, तो आइकन्स तो भैया बहुत बढ़िया बढ़िया। बट व्हेन इट कम्स टू माय चॉइस, जो रियलिस्टिक चॉइस क्या होती है, एक अगर नॉर्मल कोई प्लेयर खेल रहा होगा जो नॉर्मल 11 विंस करता है थ्रू आउट द ईयर, तो मेरे हिसाब से उसके पास ये सारे प्लेयर्स में से एक या दो ही खरीदने की क्षमता होती है। सो इन दैट केस आई वुड से द टॉप ऑफ द टॉप
which you want to get in your team is Kylian Mbappe, who comes at number one and comes to this guy, and Ronaldo at number two. And at third number, it's a close call between Dembele, Saint-Maxima, ye sare acche hain, Dybala, Benzema. But I would say Puskas is the guy who just justifies his value. So guys, Puskas, Ronaldo and Kylian Mbappe, ye teen mere hain personal. Baki agar price ko nahi dekhe jaye to R9 Pele and CR7. Agar aap soch rahe hain Ronaldo usse upar kyun hain, because Ronaldo mere favorite hain, isliye hamesha upar rahenge. Par in general top 3 mein to hamesha laake hi jaunga Kylian Mbappe, halaki is game mein zyada glitchy. So this is the list. इसमें से कोई सा भी कार्ड आपके पास हो तो भैया माहौल बनेगा, और अगर इनमें से एक से ज़्यादा प्लेयर हो तो भाई मज़े आ रहे होंगे आपको. लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नया जो इवेंट आने वाला है, सबसे बड़ा मेला टीम ऑफ द सीजन के बाद, वो आने वाला है शेप शिफ्टर. और उसमें आपको पहले ही लीक हो गया था कि क्या आने वाला है. पोजिशन चेंज के साथ साथ प्लेयर्स के भी एट्रीब्यूट बूस्टेड होंगे. और अभी जो लास्ट लेटेस्ट जो आया है वो यही बताया है कि भाई लियल मेसी 5-star स्किल्स के साथ शेप शिफ्ट करके स्ट्राइकर या सेंटर फॉरवर्ड बन के माहौल बनाने आने वाले हैं. तो बच के रहिएगा, मजा आएगा.